आइए, आज मलकापुर चल रहे हैं। ये हम खड़े हैं अभी कदम सर साहेब गुरुद्वारा साहेब पे। ये देखिए, यहाँ पे जूते चप्पल उतार कर ये यहाँ से रास्ता है गुरुद्वारे में जाने का। ये गुरुद्वारा साहिब जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान है। इसका नेमीवंत हवेली, नेमीवंत का राजा था यहाँ का। उसने यहाँ खारा पानी था तो उसको पता चला कि वह दसवें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बुरहानपुर में आए, तो उत्थे जाकर ये राजा ने बुलाया थे यहाँ इतने गुरु जी को। हाँ, गुरु जी को कि वह हमारे गांव का जो पानी है खारा है वो मीठा कर, मीठा कर। ये गाँव में जो पूरा बस्ती जो है यहाँ की इतनी पूरी मलकापुर ये खारी खारी खारे पानी। तो जो गुरु आए यहाँ, गुरु आए उन्होंने ये भील का बावड़ी का जो जल है अमृत जल जल है उसको मीठा किया है। वाह वाह। थे कदम सर पेड़ है ये बुल्ढाने जिले के अंदर में, क्या इतने परिसर में कहीं नहीं है, अकोला तक के क्या कहीं कहीं नहीं है, देखा ही नहीं, मैं तो देखा ही नहीं। अच्छा। हाँ, एक ही यहाँ पे है ये पेड़ जो है। अच्छा, इनके पत्तों के बारे में कुछ बोल रहे थे कि पत्ता इनका के बारे में हर बीमारी इस पत्ता को महाराज का नाम लेके अच्छी होगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इस गुरुद्वारे की तारीख इतिहास बताते हुए यहाँ के सिंह जी ने बताया कि गुरु महाराज गोविंद सिंह साहेब जी स्वयं यहाँ पर पधारे थे और इसी पेड़ के नीचे वो बैठे थे। ये पेड़ कदम का पेड़ है, वैसे तो इसके पत्ते कोई स्वाद नहीं देते, परंतु यहाँ का मानना है कि ये पेड़ के पत्ते मीठे रहते हैं और हर बीमारी पे वाहेगुरु जी का नाम लेके खाने से उसको ख़त्म करते हैं बीमारी को। यह अंदर थल्ला साहब है, जहाँ पर सतगुरु गुरु गोविंद सिंह जी जब यहाँ आए थे, यहाँ के राजा और प्रजा की खारे पानी की समस्या हल करके उसको मीठा करने के लिए, तो यहीं बैठा करते थे और उस जमाने से अब तक इसको सहज के रखा गया है। धन धन गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय। ये रसोई घर बना हुआ है भंडारा साहेब। यहाँ पर आने जाने वाले दर्शन अभिलाषियों के लिए भंडारा चालू रहता है। ये यहाँ काम चल रहा है अभी नए गुरुद्वारे साहिब का। ये पूरा गुरुद्वारे का ही परिसर है, आप देख सकते हैं। आज हमने दर्शन करे कदम सर साहब गुरुद्वारे की, जो मलकापुर महाराष्ट्र बुल्ढाणा डिस्ट्रिक्ट में है। अगली वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा।